हेलो एवरीवन, सीएसटी पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हमारा 1000 एमसीक्यू सीरीज का लेक्चर 3 है, जिसमें हम नेक्स्ट 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 26। लास्ट सेशन तक हम लोग क्वेश्चन 25 तक डिस्कस कर चुके हैं, आज हम 26 से लेके 35 तक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 26, कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी इज रिलेटेड विद। किसी भी कैपिटल स्ट्रक्चर होता है वो इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि उसमें आपने डिफरेंट डिफरेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस का क्या क्या प्रोपोर्शन रखा है, यानी कितना परसेंट आपका शेयर है, कितना परसेंट आपका डिबेंचर है, कितना परसेंट आपका लोन है, वो सारी चीजें हम कैपिटल स्ट्रक्चर में डिसाइड करते हैं। देखिए अब अकॉर्डिंगली कौन सा ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। शेयर होल्डर फंड, नो, बिकॉज शेयर होल्डर फंड क्या होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस रिजर्व एंड सरप्लस प्रॉफिट का लॉस वाला शेयर माइनस फिक्टिशियस एसेट्स। तो इसमें हम सोर्स ऑफ फंड के अलावा भी और सारी चीजें भी कंसिडर करते हैं। लॉन्ग टर्म डेप्ट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, ये हो सकता है। डिबेंचर एंड लोन, सिर्फ डिबेंचर एंड लोन नहीं होंगे, आपके शेयर्स भी कैपिटल स्ट्रक्चर में होते हैं, तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता। टोटल एसेट्स एंड लाइबिलिटी, अगेन दिस इज नॉट रिलेटेड टू कैपिटल स्ट्रक्चर। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। इनमें से कौन सा फाइनेंशियल मार्केट का फंक्शन नहीं है। फाइनेंशियल मार्केट के फंक्शन कौन से होते हैं, प्राइस डिटरमिनेशन, फंड मोबिलाइजेशन, लिक्विडिटी, रिस्क शेयरिंग, इजी एसेस, रिडक्शन इन ट्रांजेक्शन कॉस्ट, कैपिटल फॉर्मेशन, दीज आर द फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। अब देखिए आपको क्या क्या गिवन है, फैसिलिटेटिंग हाउसिंग लोन, फैसिलिटेटिंग प्राइस डिस्कवरी, प्रोवाइड लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स, रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। तो इसमें से कौन सा फंक्शन नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, तो 27 का आंसर हो गया ए। 28, ए डिसीजन टू इशू न्यू डिबेंचर इज। न्यू डिबेंचर इशू करना कौन सा डिसीजन है, इसके लिए आपको बेसिक कंसेप्ट पता होने चाहिए फाइनेंस के। कैपिटल बस्टिंग डिसीजन, कैपिटल बस्टिंग डिसीजन में क्या करते हैं, आप एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को या किसी एसेट खरीदने के प्रोजेक्ट को आप सेलेक्ट करते हैं कि कौन सा पर्टिकुलर प्रोजेक्ट आपके लिए बेनिफिशियल है, और यू कैन से आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल है। इसमें हम जो भी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं उसको रिलेट करते हैं, यानी कि उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, जो उससे हमें एडवांटेज गेट होता है, यानी कि एक पर्टिकुलर एसेट को खरीदने के बाद उसको यूज करने से जो फ्यूचर में इनफ्लो आएंगे उनको आप प्रेजेंट में कन्वर्ट करते हो और प्रेजेंट इन्वेस्टमेंट से मैच करके देखते हो कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसके लिए फाइनेंस में बहुत सारे टूल्स होते हैं हमारे पास, नेट प्रेजेंट वैल्यू, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, टर्मिनल वैल्यू, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, पेबैक पीरियड, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, बहुत सारे तरीके होते हैं जिनको हम यूज करते हैं कैपिटल बस्टिंग डिसीजन में। इन पर्टिकुलर टूल्स को भी कई पार्ट में डिवाइड किया जाता है, मॉडर्न टेक्निक्स और ट्रेडिशनल टेक्निक्स। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट पे बैक पीरियड और अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, दीज टू आर कॉल्ड ट्रेडिशनल मेथड एंड दीज आर कॉल्ड मॉडर्न मेथड फॉर टेकिंग डिसीजन, एंड दीज ऑल्सो कॉल्ड डिस्काउंटिंग टेक्निक। क्योंकि यहाँ पे हम फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट में एक डिस्काउंटेड रेट के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करके लेके आते हैं। And payback period and ARR is called non-discounting technique. Clear है?
यानी कि इसका डिबेंचर इश्यू करने से कोई रिलेशन नहीं है। ऑपरेटिंग डिसीजंस में हम वो सारी चीजें रिलेट करते हैं, वो सारी चीजें इंक्लूड करते हैं जो कि एक पर्टिकुलर कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशन से रिलेटेड है, यानी कि उसके मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड एक्टिविटीज को ऑपरेटिंग डिसीजन में लेते हैं। अगेन इश्यू ऑफ डिबेंचर इज नॉट द ऑपरेटिंग डिसीजन। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजन में हम इश्यू ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स, लोन टेकन, इन सारे आइटम को यूज करते हैं, और बिसाइड दिस पेमेंट फॉर लोन, और यू कैन सी रिडम्पशन ऑफ शेयर एंड डिबेंचर, रिडम्पशन ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, इनको कहां कंसीडर करते हैं हम? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या क्या चीजें कंसीडर होती हैं? परचेज ऑफ एसेट्स एंड सेल ऑफ एसेट्स रिलेटेड, परचेज ऑफ एसेट्स एंड सेल्स ऑफ एसेट्स रिलेटेड। इसके अलावा अगर फाइनेंसिंग में और बात करूं तो जो डिविडेंड पेड है, इंटरेस्ट पेड है, उनको भी हम फाइनेंसिंग में ही कंसीडर करते हैं, यानी कि आपने जो शेयर इशू किए हुए हैं उस पे जो डिविडेंड पे किया जाता है वो भी आपका फाइनेंसिंग में आता है। आपने जो डिबेंचर इशू किए हुए हैं या लोन लिया हुआ है उसके ऊपर जो आप इंटरेस्ट पे करते हो उसको भी हम फाइनेंसिंग में ही कंसीडर करते हैं। अब आपसे पूछा था इशू ऑफ न्यू डिबेंचर, यानी कि इशू ऑफ डिबेंचर क्या है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आपको सबके बारे में पता होगा, तो हो सकता है कि कभी आपसे एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन पूछे, अगर नेक्स्ट टाइम हो सकता है किसी और से रिलेटेड चीजें आ जाए, तो आपको सारे कंसेप्ट को समझते हुए जाना है। क्लियर है? आई होप क्लियर हो गया होगा आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 29। द फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया वाज सेट अप इन 1875। कहां पे हुआ था? मुंबई में। सी फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज, जिसको हम BSE भी बोलते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भी बोलते हैं, ये आपका 9 जुलाई 1875 में एस्टेब्लिश हुआ था। सबसे पुराना और सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज है जिसको एक बनियन ट्री के अंदर मुंबई में 4 गुजरातीज और 1 पारसी ने स्टार्ट किया था, और धीरे धीरे फिर ये ग्रो होता चला गया। और दूसरी चीज ये है कि ये एशिया का भी सबसे पुराना, अगर हम बात करें एशिया में, एशिया का भी सबसे पुराना जो स्टॉक एक्सचेंज है वो कौन सा है? BSE, और यू कैन से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। यानी कि यहाँ पे आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 30। विच वन इज करेक्ट? एनी अमाउंट ऑफ फंड कैन बी जनरेटेड थ्रू ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट से आप किसी भी अमाउंट का फंड जो है क्या कर सकते हो? जनरेट कर सकते हो। रॉन्ग। देखिए, ट्रेड क्रेडिट से आप किसी भी अमाउंट का फंड जनरेट नहीं कर सकते। ये डिपेंड करता है कंपनी की टर्म एंड कंडीशन के ऊपर। अगर मैं बात करूं आपको ट्रेड क्रेडिट के बारे में, तो ट्रेड क्रेडिट में कंपनी डिसाइड करती है कि वो आपको कितनी अमाउंट तक क्रेडिट दे सकती है, यानी कि आप क्रेडिट परचेज करके एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में पेमेंट कर सकती है। तो ये कंपनी की पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करता है, और यूजुअली इसमें जो टाइम पीरियड होता है वो 7, 30, 60, 90 या 120 डेज होते हैं। अगर मैं बात करूँ इम्पोर्ट ट्रांजेक्शन्स की, तो उसके लिए तो RBI गाइडलाइंस इशू करता है, तो वहां पे जो ट्रेड क्रेडिट की लिमिट है वो कैपिटल और नॉन कैपिटल गुड्स के लिए $150 million सेट की गई है। और अगर हम लोकल ट्रेडिंग की बात करें तो वो हर एक कंपनी अपनी लिमिट खुद डिसाइड करती है। एक कंपनी की लिमिट एक बंदे के लिए अलग और दूसरे बंदे के लिए अलग हो सकती है, तो ये कंपनी डिसाइड करेगी कितनी लिमिट होगी। तो यानी कि ट्रेड क्रेडिट से आप कितनी भी अमाउंट का फंड इशू नहीं कर सकते। ट्रेड क्रेडिट क्लियर है कि आपने क्रेडिट परचेज किया है आज और पेमेंट आप फ्यूचर में करेंगे उसका।
फैक्टरिंग डज नॉट क्रिएट एनी चेंज ऑन द एसेट ऑफ द फर्म. अब फैक्टरिंग से फर्म की एसेट बाहर कोई भी फर्क नहीं पड़ता. दिस इज द राइट आंसर. समझिए फैक्टरिंग होता क्या है. एक्चुअल में जो फर्म के बीआर होते हैं, डेटर्स होते हैं, उससे फर्म क्या करती है, क्रेडिट सेल करती है. फर्म ने क्रेडिट सेल किया और बीआर और डेटर इश्यू कर दिए, यानी कि उसके बीआर और डेटर क्या हो गए, क्रिएट हो गए. जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है उसको जो कंपनी है, अगर उसको इमीडिएट कैश की नीड होती है तो उसको बैंक में जाके वो डिस्काउंटेड करा लेती है. यानी कि जो बैंक है अपना कुछ कमीशन काट के उसको पैसे दे देता है. इट मे बी 80%, 90% और एज पर द बैंक पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशन, जो भी उसका बीआर को डिस्काउंटेड करने का रूल होता है. बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट डेटर्स, यहाँ पे आपके पास बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं है, डेटर की केस में आपके पास क्या होता है, इनवॉइस होती है. और आपकी कंपनी को पैसे की नीड है, लिक्विडिटी की नीड है, और आपने अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए अपने जो डेटर थे उनको टाइम पीरियड दिया हुआ है, सपोज 3 months, 6 months और इट मे बी बियॉन्ड दैट. तो आपने उनको अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए क्रेडिट दे दिया, लेकिन आपको रेडी कैश की जरूरत है और वहां से कैश आने में टाइम लगेगा. तो आपके पास एक फैसिलिटी होती है फैक्टरिंग की, यानी कि आप जो अपने डेटर्स हैं वो किसी भी फैक्टरिंग जो फैक्टरिंग फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करने वाली ऑर्गेनाइजेशन को, बैंक को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को अपने जो डेटर हैं उसके इनवॉइसेस हैंड ओवर करके उनसे लिक्विड और कैश ले सकते हैं. जब उनकी ड्यू डेट आएगी तो वो लोग क्या करेंगे, आपके डेटर से पैसा कलेक्ट कर लेंगे. क्लियर है. यानी कि जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंट कराते हैं, इसी तरह से अगर डेटर को डिस्काउंट कराना है, यानी कि टाइम से पहले लिक्विडिटी में कन्वर्ट करना है, तो वो तरीका कौन सा है, फैक्टरिंग. इसमें आप एक तरह से डेटर को सोल्ड कर देते हो किसी भी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को या किसी भी बैंक को, या कुछ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो इस तरह की फैसिलिटी देती है. यूजुअली इन ट्रांजेक्शन के अगेंस्ट में जो आपको लिक्विडिटी मिलती है वो आपके जितने इनवॉइस होते हैं उसका 75% to 80% मिलता है एज पर द रूल एंड रेगुलेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन. तो आप जितना उनको इनवॉइसेस देंगे उसका वो 75% या 80% आपको दे देंगे, और जब ड्यू डेट होगी तो आपके डेटर से कलेक्शन कर लेंगे. तो इस तरीके से देखिए आपकी एसेट पे कोई फर्क पड़ा क्या. फैक्टरिंग डज नॉट क्रिएट एनी चेंज ऑन द एसेट ऑफ द फर्म, क्योंकि आपने अगर डेटर सोल्ड आउट की है तो आप क्या करोगे, आपके पास रेडी कैश आ गया. अब जो आपको ये कम अमाउंट मिली है आप इसे एज अ लॉस, एज अ एक्सपेंसेस, एज अ कमीशन ऑफ फैक्टरिंग सर्विस अपने प्रॉफिट एंड लॉस से चार्ज कर सकते हैं. इससे आपकी एसेट एंड लायबिलिटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है. रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसके बाद तो फिर कोई मतलब ही नहीं बनता हमारे पास आ गया है. कन्वर्टेबल डिबेंचर्स कैन बी कन्वर्टेड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द स्पेसिफिक पीरियड. अगर डिबेंचर कन्वर्टेबल है, यानी कि एक पर्टिकुलर डिबेंचर को, सपोज 6% डिबेंचर है, आपको एट द टाइम ऑफ इशू ये फैसिलिटी मिली थी कि आप ड्यू डेट पर इसको 6% से 8% डिबेंचर में कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर आप 6% डिबेंचर को ड्यू डेट पर शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हो. तो ये जो ट्रांजेक्शन है ये सिर्फ ड्यू डेट पर ही होगी, उससे पहले नहीं होगी. मतलब इन जनरल सिनेरियो ड्यू डेट पर ही होती है, बाकी कंपनी की अपनी पॉलिसीज हैं. तो ये कह रहा है कन्वर्टिंग बिफोर द एक्सपायरी ऑफ स्पेसिफिक पीरियड, आप कन्वर्ट करा सकते हैं स्पेसिफिक पीरियड की एक्सपायरी से पहले. रॉन्ग. यानी आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. क्लियर. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 31. इट इज द मार्केट वेयर लो रिस्क अनसिक्योर्ड एंड शॉर्ट टर्म डेटर्स डेट इंस्ट्रूमेंट डेट आर हाईली लिक्विड आर इशूड एंड एक्टिवली ट्रेडेड एवरी डे. दिस मार्केट इज नोन एज. सी, देखिए दो तरह की मार्केट होती है ब्रॉडली, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट. कैपिटल मार्केट, जो मनी मार्केट है वो शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट में डील करती है,
और जो कैपिटल मार्केट है वो लॉन्ग टर्म आपके इंस्ट्रूमेंट और जो भी आपके पास फाइनेंशियल एसेट्स है उनमें डील करती है। जो कैपिटल मार्केट है फर्दर वो टू मार्केट में डिवाइड होती है। कैपिटल मार्केट के टू पार्ट्स होते हैं, एक होता है प्राइमरी मार्केट और दूसरा होता है सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में जो कंपनी फर्स्ट टाइम शेयर्स या डिबेंचर इशू करती है उनको कंसीडर किया जाता है इनिशियल पब्लिक ऑफर, और सेकेंडरी मार्केट में जो ऑलरेडी इशूज शेयर्स या डिबेंचर है वो ट्रेड होते हैं, यानी कि यहाँ पे क्या होते हैं सेकेंड हैंड फाइनेंशियल एसेट इसमें ट्रेड होती है। लाइक स्टॉक एक्सचेंज आपकी कैसी है सेकेंडरी मार्केट, वहां पे ऑलरेडी इशूज शेयर एंड डिबेंचर ट्रेड होते हैं, यानी कि जो आपकी प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट है वो कैपिटल मार्केट के ही पार्ट है। ठीक है, अब आपसे इसमें पूछा हुआ है शॉर्ट टर्म डेली बेसिस एवरी डे, तो ये क्या है शॉर्ट टर्म के लिए मनी मार्केट, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, विच वन इज करेक्ट, रेंट लाइटिंग एंड सुपरविजन कॉस्ट आर कॉमन कॉस्ट, जॉइंट कॉस्ट कैन नॉट बी अपोर्शनड ओनली बाय अडॉप्टिंग अ बेसिस ऑफ अपोर्शनमेंट। मेरे की फर्स्ट तो थोड़ा ठीक ठीक लग रहा है, लेकिन सेकंड जॉइंट कॉस्ट को अपोर्शन करने के लिए एक बेस चाहिए, वो कह रहा है कैन नॉट बी, तो ये क्या हो जाएगा गलत। कॉस्ट असर्टेन डज नॉट इन्वॉल्व एलोकेशन एंड अपोर्शनमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर टू कॉस्ट सेंटर। देखिए कॉस्ट असर्टेन करने के लिए किसी भी चीज की कॉस्ट निकालने के लिए हमें कॉस्ट को एक स्पेसिफिक कॉस्ट सेंटर पर चार्ज करना पड़ता है, ये कह रहा है डज नॉट, अगेन राइट रॉन्ग। प्रोडक्शन कॉस्ट डज नॉट इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ प्राइमरी पैकिंग ऑफ द प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट की प्राइमरी पैकिंग है प्रोडक्शन कॉस्ट में वो कॉस्ट नहीं आती, गलत। जो प्राइमरी पैकिंग है वो कॉस्ट आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट में कंसीडर की जाती है। जो सेकेंडरी पैकिंग होती है जो बाद में पैकिंग होती है उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए चीजें यूज की जाती हैं उनको हम इसमें कंसीडर नहीं करते, लेकिन जो प्राइमरी पैकिंग है वो इसमें आती है, यानी कि आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉब कॉस्टिंग इज, तो सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए जॉब कॉस्टिंग होती क्या है। जॉब कॉस्टिंग वो कॉस्टिंग होती है जहां पर जो डिफरेंट डिफरेंट वर्क है उस डिफरेंट डिफरेंट वर्क में जो लेबर कॉस्ट है मटेरियल कॉस्ट है वो सब अलग अलग आती है, यानी कि आप एक साथ लमसम करके एक पर्टिकुलर आइटम की कॉस्ट निकाल नहीं सकते हो, आप एक पर्टिकुलर जॉब की कॉस्ट निकालते हो, क्योंकि हर एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में जो यूसेज ऑफ मटेरियल है जो यूसेज ऑफ लेबर है वो अलग अलग होता है। ठीक है, अब देखिए आपसे पूछ रहा है हाईली रिपीटेड, जरूरी नहीं है जॉब कॉस्टिंग हाईली रिपीटेड हो। अप्लाइड व्हेन द मटेरियल एंड लेबर कॉस्ट कैन बी आइडेंटिफाई बाय एन ऑर्डर, जहां पे लेबर और मटेरियल कॉस्ट एक ऑर्डर से आइडेंटिफाई होती है, स्पेसिफिक नहीं है, काटते नहीं है बट स्पेसिफिक इसको डिफाइन नहीं कर रहे। नॉट अप्लाइड इन प्लांट मेकिंग स्पेशलाइज इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट, इक्विपमेंट जो बनाते हैं उनमें अप्लाई नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है। अप्लाइड वेयर एट डिफरेंट साइट्स लार्ज स्केल कॉन्ट्रैक्ट आर कैरिड आउट, दिस इज द राइट आंसर। अलग अलग साइट पे बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट कैरिड आउट हो रहे हैं, वहां पे हर कॉन्ट्रैक्ट में अलग मटेरियल अलग लेबर जो रिक्वायरमेंट है क्वांटिटी की वो डिफरेंट डिफरेंट होती है, तो ऐसी जगह पे क्या अप्लाई करते हैं जॉब कॉस्टिंग, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 34, विच वन इज नॉट द पर्पस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग का क्या पर्पस होता है कि भाई ईच स्टेप पे कॉस्ट निकालना फिर फ्यूचर के लिए प्लानिंग करना कॉस्ट कंट्रोल करना ये सारी चीजें होती हैं, और कॉस्टिंग निकाल के आप ये डिसीजन भी ले सकते हो कि अगर एक चीज हम अपनी कंपनी में मैन्युफैक्चर करेंगे तो क्या कॉस्ट आएगी, या सेम चीज को अगर आप बाहर से बाय कर लेंगे तो क्या कॉस्ट आएगी, यानी कि एक पर्टिकुलर चीज को आपने खरीदना है या बाहर से सॉरी आपने अपनी कंपनी के अंदर बनाना है या बाहर से खरीदना है उसका डिसीजन भी आप इसमें लेते हैं। तो पहला आपको कह रहा है प्रोडक्ट डिसीजन लेते हैं आप,
ठीक है भाई, लेते हैं प्रोडक्ट के बारे में डिसीजन लेते हैं। असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, ये डाउटेड है। ऑपरेशनल प्लानिंग एंड कंट्रोल होता है फाइनेंसिंग का, और सॉरी कॉस्ट अकाउंटिंग का। मेकिंग स्पेशल डिसीजन रिगार्डिंग मेक एंड बाय, दिस इज ऑल्सो द पर्पस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का पर्पस फाइनेंशियल पोजिशन बताना नहीं होता, ये कौन बताता है? प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। अगर हम फाइनेंशियल पोजीशन की बात करते हैं तो वो कौन बताता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। क्लियर है? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, उसने नोट पूछा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है, क्योंकि उसने नोट पूछा था। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, विच वन इज द फंक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, इनमें से कॉस्ट कौन सा कॉस्ट अकाउंटिंग का फंक्शन है? टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस एज अ होल, भाई प्रॉफिट एंड लॉस बिजनेस का बताना प्रॉफिट एंड लॉस का काम है, कॉस्टिंग का नहीं है। टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द यूनिट कॉस्ट एंड प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन, यूनिट कॉस्ट बताना और डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन की आपका प्रॉफिट एंड लॉस बताना, ये टर्म भी द आंसर। आगे देखते हैं, टू रिकॉर्ड द वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, दिस इज अगेन नॉट द पर्पस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट इकोनॉमिक रिसोर्सेज एंड ऑब्लिगेशन ऑफ बिजनेस, कॉस्ट अकाउंटिंग का ये भी मोटो नहीं है, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, दिस इज योर राइट आंसर। आज के ये 10 क्वेश्चन थे, आगे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम आगे न्यू क्वेश्चंस के साथ। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।